कौम अलैहिस्सलाम बहुत ही बेहतरीन एक काम अल्लाह के नाम शुरू करने जा रहा हूँ। आप दुआ कीजिएगा कामयाब करें मौला हुसैन। नजफ़ अशरफ से करबला का फ्री सर्विस मैंने शुरू की है हर जुमेरात इंशाअल्लाह, और आज एक बस है तो कल दो, उसके बाद दस, और फिर हज़ारों की तादाद में नजफ़ से करबला में ये फ्री सर्विस काम शुरू करूँगा। तीन शाबान का खूबसूरत मंजर, किस तरह हमने केक काटा है और किस तरह करबला पहुँचे और करबला में तीन शाबान कैसे किया जाता है, और सारा मंजर आपके सामने। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े के सामने। आप सबको जो है आप सब की तरफ से मौला हुसैन को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। ए मेरे मौला हुसैन, मेरे आका, जो इस साल नहीं पहुँच सका आपके रोज़े पर, उन सब की तरफ से मुबारकबाद, उन सब की तरफ से उज़र ख्वाही पेश करता हूँ। मेरे मौला, हालात की वजह से वो नहीं पहुँच पाए, ना तो वाजिब था कि वह आपके पास होते। ए मेरे मौला गाज़ी अब्बास अलमदार, ए मेरे मौला गाज़ी अब्बास अलमदार, ये जो नाज़रीन देख रहे हैं मेरे मौला, इन सब के सलाम कबूल फरमा। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आप सब के लिए दुआ हूँ, वीडियो को आखिर तक देखिएगा और मेरी खिदमात में साथ दीजिएगा। मैं फ्री बस से चलाने जा रहा हूँ, जिसने भी हिस्सा लेना है ज़रूर लीजिएगा ताकि मैं इसको आगे बढ़ा दूँ। लंगर भी किया, दस्तरखान भी बिछाया और केक भी काटा मोमिनीन और मोमिनात की तरफ से, ये सब आप तमाम मोमिनीन की तरफ से है। लबैक या हुसैन, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मैं आपके साथ शाकिर अली ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अज्जल फरजहुम। इस वक्त हम तीन शाबान के लिए करबला जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रखेगा और करबला में जश्न करेंगे मौला हुसैन अलैहि सलाम का। मोहम्मद व मोहम्मद, मेरे मौला अली अलैहि सलाम के शहर में खूबसूरत परचम आपके सामने, और हम इस वक्त जा रहे हैं करबला की तरफ तीन शाबान का जश्न करने के लिए। और ये नजफ़ अशरफ का शहर है, यहाँ हमारे साथ उलमा इकराम मौजूद है और केक कटेंगे इंशाअल्लाह। और हमारी जब मैंने शुरू में स्टार्ट किया था वीडियो तो वहाँ पे ऐलान किया था कि मैं नियाज करना चाहता हूँ करबला में और ज़ायरीन को लाना चाहता हूँ, बस का इतना किराया है। तो एक मोमिना ने फ़ौरन ही मुझे कॉन्टेक्ट करा कि इंशाल्लाह मैं आपको कुछ चंद हफ्तों के पैसे देती हूँ, आप फ्री में मोमिनीन को लेकर जाएँ। तो मैंने आपकी दुआओं से नजफ़ अशरफ से करबला का फ्री जो है वो शुरू किया है। एक बस आगे, इरादा है कि एक को दस में लेके जाऊं, और ये पोस्टर है तो मैं बस का शुरू करूं, इरादा करूं। तो हम नजफ़ से निकले हैं करबला की तरफ तीन शाबान मौला हुसैन का केक काटने के लिए। बैनुल हरमैन में जश्न किया जाएगा और आप मोमिनीन, खुसन वो आमना हमारी बहन जिन्होंने तावन फरमाया हर हफ्ते उनकी तरफ से, और जो मोमिनीन नियाज नगर में हिस्सा लिया है जिन्होंने, उनके नाम करबला में लिए जाएंगे केक काटते वक्त। तो इंशाल्लाह उन सब के लिए दुआ की जाएगी। और हम इस वक्त मुतवज्जे हैं नजफ़ से करबला की तरफ, और ये वो खूबसूरत रास्ता जहाँ से यही वो रास्ता है जहाँ सूरत नशरीन जिसे कहा जाता है, यहाँ से ज़ायरीन जो हैं पैदल करबला की तरफ जाते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा आप भी इस रास्ते पे चल के करबला जाएंगे, और मैं इंशाल्लाह इस जो है का जो सिलसिला मैंने निकाला है फी सबीला वाला नजफ़ से करबला ले जाने का, इसको इतनी वसअत दूंगा कि जिसमें ज़ायरीन भी जो है उलमा इकराम के साथ जा सकते हैं फ्री में। तो दुआ करें, मैं चाहूँगा कि सिर्फ करबला नहीं, काजमैन, सामर्रा और बसरा की तरफ जितनी ज्यारतें हैं जहाँ कोई नहीं लेके जाता, वहाँ पे आपको ज़्यारत करूँ, आपको लेके जाऊँ इंशाल्लाह। हम मौजूद हैं यहाँ पे नजफ़ से करबला जा रहे हैं, और हमारे साथ जो हैं हमारे बरादरान उलमा इकराम नजफ़ अशरफ के भी मौजूद हैं। हम नजफ़ से गुजरते हुए करबला की तरफ जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये प्रोग्राम बड़ा प्यारा लगेगा आपको, ये भी सारे मनाज़र आप देखेंगे। नारा हैदरी। हुसैन आ गए,
ऐसा और नहीं होना, लाल अली दा सोना ऐसा और नहीं होना, सहरा दा बन के वो चैन आ गए जग उते मौला हुसैन आ गए, ओ जग उते मौला हुसैन आ गए। देखा नजब अशरफ ने, और ये अलम पाक जो है करबला की एंट्री होते हुए मौला हुसैन के रोदे का आलम है, वहाँ पे लिखा था अली वलीउल्लाह और यहाँ पे लिखा है या हुसैन, और ये परचम है मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के जो है करबला मौला शहर उनसे पहले खूबसूरत परचम। और हम खैर करबला से पहुंच गए हैं और इंशाल्लाह जश्न के लिए जा रहे हैं मौला हुसैन के रोज़े। मोहम्मद वाल मोहम्मद, वो जो कहते हैं कि जब करबला में एंट्री होते हैं कि सबसे पहले मौला अब्बास का रोज़ा आता है, तो ये देखें सामने मौला गाजी अब्बास को, करबला में इंटर होते हुए किसी भी रास्ते से आएँगे सबसे पहले मौला गाजी अब्बास का रोज़ा नज़र आएगा। तो हमने भी देखा करबला पहुंच चुके हैं और आप सबके लिए दुआ हूँ इंशाल्लाह। मोहम्मद इस वक्त हम तीन शाबान करने के लिए करबला पहुंच चुके हैं, मौला हुसैन का परचम उसके साए तले में आए हुए हैं, और आपको लेके चलते हैं यहाँ पर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा। सर झुका के आपने सलाम करना है, तीन शाबान की शब आने वाली है और दो शाबान है, कुछ ही देर के बाद इंशाल्लाह तीन शाबान का चांद नमूदार होगा। आप तमाम उन्हीं मोमिनात को मुबारकबाद, सामने मौला हुसैन का रोज़ा यकीनन आपकी दिलों पर एक बहार सा छा जाएगा, ये मंज़र आपको इसे दिखा रहा हूँ। आपने मौला हुसैन को सर झुका के कहना है, जो भी कनीज हैं मौला की उन बहन और तमाम माओं से तमाम से सर पे चादर लेके मौला हुसैन को मुबारकबाद पेश करें। तमाम मोमिन से गुजारिश, सर को झुका के मौला हुसैन को मुबारकबाद दें कि आप जन्नत के सरदार हैं, मौला आपको आपकी आमद मुबारकबाद, इमाम ज़ैनुल आबदीन की आमद मुबारकबाद, इमाम गाजी अब्बास अलमदार की आमद मुबारकबाद, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की आमद मुबारकबाद, इमाम ज़मान अजलल्लाहु ताला फ़र्जहु की आमद मुबारकबाद, जनाब कासिम अली अकबर अलैहिस्सलाम की आमद मुबारकबाद। मौला हुसैन का रोज़ा हम चल रहे हैं, केक काटेंगे और मनाज़र दिखाएंगे आपको तमाम जो आज से पहले आपने शायद ही देखे हों। दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा और इंशाल्लाह फिर एक बस का मैंने आगाज़ कर लिया है, जिस मोमिनी ने भी इन न्याज में वगैरह जिन चीज़ों में हिस्सा लेना है बगैर जो जगह लेगी इंशाल्लाह आपका न्याज करबला में किया जाए। मसल्ला मोहम्मद वाल मोहम्मद, शाम होने को करीब है और मगरिब की आज़ान भी करीब है, ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पहुँच चुके हैं यहाँ पर और जश्न इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इंतज़ार में हैं। आप देख सकते हैं इतना इज्तिमा मेरे ख्याल से करबला में इससे एक साल के अंदर नहीं हुआ था, सिर्फ आशूर और चहलुम पे, और उसके बाद आज जो जिस तरह लॉकडाउन रहा है यहाँ पर तो वो अभी भी है, मगर इन अयाम में लॉकडाउन भी पीछे रह गया। तो आप सब देख रहे हैं यह मनाजर, तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आमद पे। जाइएगा देखते जाइएगा, मैं आपको क्या क्या दिखाता हूँ, तमाम मनाजर आपको दिखाऊंगा, किस तरह केक काटते हैं। यल्ला ताल जावेद, कहाँ किस तरह प्रोग्राम कर रहे हैं, कहाँ केक काट रहे हैं और कहाँ सारा सिस्टम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। ज़ाहिरीन की तादाद काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर और बड़ा खुश नज़र आ रहे हैं ज़ाहिरीन माशाल्लाह से। अल्लाह आपको मुबारक करे, मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको भी तीन शाबान नसीब करे। आगे देखते जाएं रात को हम क्या करते हैं, आपके सामने होंगे किन मोमिनों और मोमिनात की तरफ से केक काटा जाएगा, लंगर और न्याज किया जाएगा। जब तक मैं तकड़ भी यहाँ पे दो तीन रातें हूँ, तमाम मनाजर आपको दिखाता रहूँगा इंशाल्लाह, मेरे साथ ही रहेगा। और जिन्होंने मेरे साथ न्याज में हिस्सा लिया है वो बड़े खुश नसीब हैं, उनकी तरफ से यहाँ पर न्याज किया जाएगा, वो मौला हुसैन की आमद मौला हुसैन के सामने वो भी सहन में, क्या ही बात है। मोहम्मद वाल मोहम्मद, लब्बैक या हुसैन। तीन शाबान की आज़ान मौला अब्बास और मौला हुसैन के रोज़े से बैनुल हरमैन से आप सबको मुबारकबाद। اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل। खूबसूरत मंजर बैनुल हरमैन का आपके सामने, और
यकीनन जैसे देखे आप मुझे दुआ देंगे। बोला हुसैन का रोजा आपके सामने। اللهم صل على محمد وآل محمد अल्लाह अकबर। आप तमाम मोमिन मोमिनात को तीन शाबान, चार शाबान, पांच शाबान, पहली शाबान और अनवार शाबान की तमाम अहमद इमाम ज़माना की अली अकबर जनाब कासिम सब मुबारकबाद। सब की तरफ से इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा, केक काटा जाएगा कुछ ही देर के बाद इंशाल्लाह। अगला मंजर वो होगा। अपनी पूरी वीडियो में आपको मनाजर दिखाऊंगा कि तीन शाबान यहाँ पे कैसे की जाए। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर पूरा बैनुल हरमैन फुल होगा ज़ायरीन से। हम सिफरा लगाएंगे मौला हुसैन के नाम का दस्तरखान। اللهم صل على محمد وآل محمد। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का सफ़र आपके सामने है और यहाँ पर मौला गाजी अब्बास का रोज़ा है और ये मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा आपके सामने और हम जश्न मना रहे हैं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का। लब्बैक या हुसैन, اللهم صل على محمد وآل محمد, لبیک یا حسین। आप तमाम मोमिनों मोमिनात को मुबारकबाद। जिस वक्त का इंतज़ार था वो वक्त खैर से आ पहुँचा और यहाँ पर हमने सिफरा लगाया हुआ है। कितना खूबसूरत सिफारा है, बड़ी मेहनत की हुई है यहाँ पर, मौला कबूल करे। ये मोमिन और मोमिनात के तवसल से हुआ है। सामने मेरे मौला गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। दुआ कीजिएगा ये मैं बरकरार रखूँ सिलसिले को, हर शहजादे की आमद पर इस तरह सफरा लगाऊँ बैनुल हरमैन में। यकीनन दुआ देंगे आप मुझे देख के, ये मोमिनों और मोमिनात के तवसल से हुआ है। जहाँ बस्ती बसा बैठे ही क्या जाए, जहाँ बस्ती बसा बैठे अली वाले जहाँ बैठे वही जन्नत बना। वाह 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 वाह,
इश्क अली की शम्मा और परवाने नारा हैदरी। ये कोना मोहम्मद वाल मोहम्मद करबला की सरजमीन पर जश्न अनवार शाबान। हमने किसी भी मासूम का नाम, किसी भी शहजादे का नाम नहीं लिखा, एक पर सिर्फ अनवार शाबान पे लिखा हुआ है। हाथों को तो असगर ने उठाया भी नहीं था। हमारे दोस्त राजा इरफान, उसकी बेटी गुलाम फातिमा की तरफ से है, और नासिर भाई और जिन मोमिनीन ने हिस्सा दिया था, जैन बनीन आमना सिस्टर, उसकी पूरी खानदान पूरी फैमिली, जिन मोमिनीन ने आवाज दिया है। इस हालात में किसी का मैं नाम नहीं ले सकता फिलहाल, सबके लिए जितने भी मेरे YouTube में देखने वाले सबकी तरफ से ये नियाज है। हमले का इरादा तो अभी बनाया भी नहीं था। हमले का इरादा तो अभी बनाया भी नहीं था। अल्लाह तो बहुत दूर है उस निर्णय जरी ने, मोहम्मद वाल मोहम्मद लब्बैक या हुसैन। तीन शाबान आप तमाम मोमिनीन मोमिनात को मुबारकबाद। केक का सिलसिला आपने देख लिया, यहाँ पे अब नगर नियाज हो रहा है। ये केक हमारी जो है मोमिनीन की तरफ से था। मैं उन सब के लिए दुआगू हूँ, और जिनकी जो है तरफ से ये केक किया गया था, हमारे दोस्त इरफान भाई इटली में रहते हैं, उनकी बेटी गुलाम फातिमा अली राजा इरफान अली उसकी तरफ से, जायदा बहन की तरफ से, जाहिद अबीहा बतूल और डॉक्टर तासीर और उनकी सऊदी अरब से, नाजिया बहन जवेरिया ऑस्ट्रेलिया, अफशा बहन ऑस्ट्रेलिया, इन सब के लिए मैं दुआ कर रहा हूँ। इन सब को भी शामिल किया हुआ इसमें, और आगा नाजर हुसैन और आगा अमीर हुसैन, अमान शहरबानो बिनते सैयद अहमद हुसैन, एजाज हुसैन इबन जायद हुसैन, और तमाम अहल खाना की तरफ, अली दानियाल जो है उनकी तरफ और उसकी पूरी फैमिली की तरफ से नियाज, और यहाँ पे सैयदा ताहिरा उसकी पूरी फैमिली की तरफ से, और सैयदा हमारी आमना सिस्टर जिन्होंने बस करा के दी हमें हर हफ्ते करबला के लिए, उनके लिए दुआगू हूँ। और यहाँ पर जो है जाफ़र जो है उनके महरीन जाफ़र के लिए, डॉक्टर तासीर सऊदी अरब उसकी पूरी फैमिली, मारूफ बीबी तैयबा सिस्टर उनकी पूरी फैन, और इरफान उनके बेटे के लिए दुआ, जाहिदा जाहिद काजमी अबीहा बतूल मोहम्मद अब्बास नबील काजमी इशरत शाहीन मलका मलिका सिस्टर जो हैं यूके से उनकी पूरी फैमिली उनकी बहनों के लिए, सोफिया सिस्टर मासूमा सिस्टर रज़िया सिस्टर रज़िया जो बहन है उनके जो हस्बैंड की जो मुश्किलात हैं वो अपने उसके मुल्क में आ जाएं, उन्होंने खुसूसी दुआओं के लिए कहा है, और सैयद रखेल शाह शब्बीर शाह कासम शाह मोहम्मद हनीफ और उसकी पूरी फैमिली के लिए दुआ, सैयदा ताहिरा और उसकी पूरी फैमिली के लिए दुआ, और बहुत सारे मोमिनीन जिन्होंने मुझे दुआओं के लिए कहा और नियाज करते रहते हैं, उन सबको याद कर रहा हूँ मौला अब्बास के सामने, और मौला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमने बिरयानी की हुई है और केक का आपने देखा, और यहाँ पे हमारे जो है मोमिनीन लंगर और नियाज कर रहे हैं। अल्लाह भाई या हुसैन, इंशाल्लाह अगले हफ्ते हमने ये प्रोग्राम इसको वसत दी हुई है, और इस प्रोग्राम को इंशाल्लाह अभी एक पोस्टर है तो अभी अगले हफ्ते में इंशाल्लाह अब बड़ी बस लेकर आएंगे जिसमें 55 मोमिनीन होंगे या 50 या 60, और आगे जाके इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि एक बस नहीं 10 बसें हर हफ्ते नजफ़ से करबला जो है वो निकालूँ। लबे क्या हुसैन, मैं आपके साथ शाकिर अली नजफी। शाबान का जो पूरा महीना है या आलम का महीना है, प्लस खुशी के लिए नाज का खैर मुबारक है आपको, मुबारक सर। और ये जो जिस मोमिन ने प्रोग्राम किया है उनके मरहूमिन के लिए, और आप जितने तलबा यहाँ मौजूद हैं उनके मरहूमिन के लिए, एक सूरत फातिहा तीन मरतबा بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على ابو عبد الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسلام الدين موقع بار حضرت رسول خدا کے واسطے امام حسین کے واسطے تمام برادران دینوں دعاؤں کے لیے کہا ہے جو مریض ہیں ان تمام کو حسین کے صدقے صفائے کامل عنایت فرمائے جو مومن ہے جو حاجت رکھتا ہے مالک حسین کے صدقے ان کی حاجات کو متوجہ دعا سنیں تسلیم پڑھو
कड़ी सत अठ कड़ी मिलता है मोहम्मद वाले मोहम्मद इन शाबान आप तमाम मोमिनीन मोमिनात को मुबारकबाद मुबारकबाद मुबारकबाद। करबला से लेके दुनिया में जहां जहां पर या हुसैन की जाती है हर एक अज़ादार को हर एक मोमिन मोमिना को मुबारकबाद। और ये हम डेडिकेट कर रहे हैं आप सबको और मौला हुसैन आप सबको शादुर आबाद रखे। जेड़ा जेड़ा अली ता उबदार नहीं, जेड़ा जेड़ा अली ता उबदार नहीं, उड़े जन्नत दा होना हकदार नहीं। लाओ नारा अली हू बहू लाओ नारा अली दा। मिसरा पढ़ो। जेड़े दिल विच अली दा प्यार नहीं, जेंदे दिल विच अली दा प्यार नहीं, ओने जन्नत दा होना हकदार नहीं। लाओ नारा अली दा हू बहू लाओ नारा अली दा। आप तमाम मोमिनी मोमिनात को जश्न इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम जो है अली अकबर अलैहिस्सलाम और मौला गाज़ी अब्बास की आमद बीबी सैयदा ज़ैनब उल मसाइब की आमद मुबारकबाद। जन्नत को किस तरह सजाया गया है
ऐसा लगेगा कि फरिश्तों ने आके सजाया है करबला को। इतना खूबसूरत मंजर आपको पेश कर रहा हूँ। यकीनन मुझे दुआ देंगे पूरी करबला को बड़ा खूबसूरत सजाया गया है। ये रास्तों से गुजरते हुए हम जा रहे हैं मौला हुसैन के। आप तमाम मोमिनीन को मुबारकबाद। लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन। अल्लाह मोहम्मद वाल मोहम्मद। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा आपके सामने। जन्नत को खूबसूरत सजाया गया है तीन शाबान पे। और यहाँ पर तिले ज़ैनबिया के सामने पाकिस्तान के मोमिनीन जश्न मना रहे हैं। मैंने चाहा कि वो जश्न आपको भी दिखाया जाए खूबसूरत तरीके से। यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है, आप मोमिनीन को दिखा रहे हैं, नारे गुनगुना रहे हैं करबला की सरजमीन पे, तो वो आपको दिखाना चाहता हूँ। हर कोई समझ नहीं सकता हुसैन का रात में तार ईमान का सूरज तलो होने लगा। रात में खैमे के दर पे आवाज आई, लो आखिर से आपकी दुआओं से पाकिस्तान के जायरीन भी पहुंच चुके हैं बैनुल हरमैन में तीन शाबान के लिए। मोहम्मद वाल मोहम्मद। पाकिस्तान के जायरीन पहुंच चुके हैं, ये मनाजर आपको दिखा रहा हूँ। पल तीन शाबान का जश्न आमद है मौला हुसैन अलैहिस्सलाम। आयो हुसैन मौला, यानी बीबी सैयदा के घर में मौला हुसैन की आमद हुई, उसका जश्न का यहाँ पर एक खूबसूरत मंजर आपके सामने है। मौला करे, अल्लाह करे, इन जायरीन में से अगला शाबान यहाँ पर आपको मौला हुसैन नसीब करे। आप तमाम मोमिनीन मोमिनात को तीन शाबान मुबारकबाद।